हाय गाइस, दिस इज आकाश मड़वी। एंड अगर आप मेरे से पूछते हो कि मैं बिग बॉस देखता हूँ कि नहीं, तो मेरा आंसर रहेगा हाँ, मैं देखता हूँ। रीज़न क्यों देखते हो? रीज़न यही है कि मैं अपना टाइम 1 घंटा ही दिन का, मतलब 1-1.5 घंटा रहता है वो, 1-1.5 घंटा मैं ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करूँ, वेब सीरीज देखूँ, कोई सीरियल या ऐसा कुछ देखूँ जो यू नो स्टोरी है, एक्टिंग है उसमें, अदर देन रियलिटी है। तो मैं ट्राई करूँगा कि वो अवॉइड करके मैं ऐसा कुछ देखूं जो रियलिटी शो है। तो अगर या तो बाकी भी रियलिटी शो है, लेकिन बिग बॉस की बात तो हो रही है, तो मैं वही बोलूँगा कि बिग बॉस देखने से कुछ यू नो हम कुछ यू नो टेकिंग्स ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। वो क्या है, कुछ हमारे स्किल्स बढ़ सकते हैं। यू नो देखो, सीखने के लिए जरूरी नहीं कुछ कोचिंग क्लासेस में सीखे, हर जगह से हम सीख सकते हैं कुछ ना कुछ। तो बिग बॉस में क्या है ना, कुछ हमारे स्किल्स बढ़ते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स। वहाँ ऐसे नहीं बॉलीवुड के एंड टीवी इंडस्ट्रीज के ही लोग हैं, नहीं, वहाँ यू नो हर फील्ड का कोई ना कोई आता है, मतलब हर फील्ड से कोई ना कोई आता है और अपना पर्सनैलिटी उधर दिखाता है। तो उनकी क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनकी क्या आर्टिकुलेशन स्किल्स है, वो हमको पता चलते हैं। डिबेटिंग स्किल्स बोल लो, कि कैसे वो कोई भी डिस्कशन में अपना पॉइंट रखते हैं, कैसे वोट्स कमाते हैं लोगों के, कैसे कैप्टन बनते हैं, कैसे टास्क खेलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैम, सबसे इंपॉर्टेंट जो बिग बॉस से आप ये सीख सकते हो कि इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होता है कि लोगों के बीच में आप कैसे यू नो बिहेव करते हो, मतलब वह ऐसे भी रहते हैं यू नो लोग जो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना पसंद करते, लेकिन वो एक साथ रहना है, टास्क खेलने, तो यू नो उनको एक प्रोफेशनलिज्म, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रखते हैं वो। तो जरूरी कॉर्डियल आप यू नो ऐसे आर्टिफिशियली रखो, आप यू नो अपना रियल चार्म दिखा के, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके भी आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, इंटरपर्सनल स्किल्स दिखा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप बिग बॉस में से सीख सकते हो, मतलब तो इसके लिए आप बिग बॉस देख सकते हो अगर आपको फ्री टाइम होगा तो दिन में अगर 1 घंटा आप इधर दे रहे हो तो अच्छी बात है अकॉर्डिंग टू मी, रैदर देन आप वो वेब सीरीज या ऐसे कुछ चीज़ें नकली वाली चीज़ें देखो। तो ये मेरा ओपिनियन था। थैंक यू।